कोरबा जिले के कटगोरा थाना क्षेत्र में बुधवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया है कि सौवाहन और स्कॉर्पियो गाड़ी में जबरदस्त टक्कर हो गई थी। कोरोना से ही मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति भारी पड़ने लगी है। आरोप है कि मुंगेली में सहकारी समिति के सीईओ ने कर्मचारी की मौत के बाद बेटे को नौकरी देने के लिए 1.5 लाख रुपए की डील की है। जांजगीर जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र में पुलिस की निगरानी में रोजाना जुआनियों का मेला लगाकर लाखों का दांव लगवाया जा रहा है। क्षेत्र के नामचीन जुआ फड़ संचालक प्रदेश भर के जुआरियों को पुलिस सुरक्षा की गारंटी देकर जुआ का संचालन कर पुलिस को 50,000 रुपए हफ्ता देने का दम भरते हुए किसी भी तरह की परेशानी नहीं है होने का भी दावा करते हैं। एक निजी न्यूज पोर्टल में काम करने वाली एंकर महिमा शर्मा बुधवार की शाम अपने ऑफिस से भैया भाभी के घर जा रही थी। इसी दौरान शाम को 5:30 बजे के बीच छावनी थाना क्षेत्र के हाईवे कैंटीन के पास तेज रफ्तार टैंकर ने उसे कुचल दिया। हादसे में महिमा की मौके पर ही मौत हो गई। मुंगेली सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने मोटरसाइकिल चोर दीपक महिलांगे उर्फ छोटू एवं गंभीर महिलांगे को पकड़कर उनके पास से चोरी की 2 बाइक बरामद की है। रायगढ़ जिले की पुसौर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एनटीपीसी लारा प्लांट के पास खंडरनुमा मकान में मोमबत्ती की रोशनी में जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को पकड़कर 51,000 रुपए जब्त किए हैं। भाटापारा में पोहा मिल के मुंशी के साथ 4 लाख रुपए की उठाईगिरी हो गई। वो बैंक से पैसा निकालकर वापस लौट रहा था, इसी दौरान रास्ते में रुककर वो किसी से बात करने लगा। इतने में बाइक सवार बदमाश आए और 4 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भाग गए। रायपुर के डीडी नगर पुलिस ने सरोना ओवरब्रिज रिंग रोड नंबर 1 के पास सिल्वर कलर की कार बोलेरो के अंदर अलग अलग बोरियों में रखे कुल 80 किलोग्राम गांजा कीमत लगभग 8 लाख रुपए लावारिस हालत में छोड़कर फरार होने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत टिमर लगा में अनियंत्रित हाईवा वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। रायपुर के मौदापारा पुलिस ने ऋषभ कॉम्प्लेक्स में जीएम डेयरी जीएच गोल्ड नामक चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर शैलेंद्र चंद्र गोस्वामी सतनाम सिंह रंधावा नरेंद्र सिंह को कम समय में रुपया दुगना होने एवं अन्य लुभावनी स्कीम का झांसा देकर रकम करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। दंतेवाड़ा पुलिस ने कोर्ट से फरार हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। बीजापुर के रहने वाले आरोपी को सोमवार को दंतेवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायालय लाया गया था। सरगुजा जिले की सीतापुर पुलिस ने मोटरसाइकिल से गांजा परिवहन करते 2 आरोपी घनश्याम यादव तथा अकालू राम चौहान को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा मोटरसाइकिल से गांजा का परिवहन किया जा रहा था। कार में फर्जी तरीके से जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष का पदनाम लिखकर अंग्रेजी शराब का अवैध तरीके से परिवहन करने वाले आरोपी अमित केवट को लखनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कांकेर में नक्सली बनकर डकैती डालने पहुंचे बदमाशों के 2 अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए डकैतों में एक छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स का जवान है, वह राजनांदगांव की 8वीं बटालियन में पदस्थ है और 3 माह से कैंप से लापता था। निज राशन दुकान में चावल बेचते पकड़े जाने पर धमतरी के खाद्य विभाग ने 2 राशन कार्डधारियों के कार्ड को निरस्त कर दिया है। वही चावल खरीदने वाले दुकानदार पर भी कार्रवाई की गई है।
कोरबा जिले में एक 28 साल की युवती फांसी के फंदे पर झूल गई। उसे पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही थी, इसी वजह से वो परेशान थी। आखिरकार उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। नेवा इलाके की महिला माया शर्मा की कोरोना से मौत के मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने संबंधित हाईटेक अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। सभी को 17 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है। सिविक सेंटर चौपाटी में बुधवार को बीएसपी नगर सेवाएं विभाग एवं नगर निगम भिलाई की संयुक्त टीम ने गाइडलाइन का पालन न करने वाले 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। मुंगेली में महिला जनपद सदस्य रानी भास्कर के निर्वाचन को कलेक्टर अजीत बसंत ने शून्य कर दिया। उन्होंने फर्जी जाति के जरिए चुनाव लड़ा था। इसके साथ ही जनपद क्षेत्र के वार्ड 18 बरमपुर को रिक्त घोषित कर दिया गया है। जसपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र में हुए धर्मांतरण मामले में पुलिस ने पीड़ित और पिता के बयान और रिपोर्ट के आधार पर आरोपी माँ और नानी को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरी आरोपी महिला रसीदन खातून की तलाश में पुलिस जुट गई है। सिमगा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल में ग्राम लिमतरा से तारपोंगा अवैध रूप से शराब ले जा रहे दो युवक को घेराबंदी कर मध्य प्रदेश निर्मित 150 पौवा अंग्रेजी शराब गोवा जब्त किया है। आदर्श नर्सिंग कॉलेज दंतरेगा में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत टिकरापारा थाने में की गई है। बलरामपुर जिले के चलगली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत मानपुर में बीती रात नकाबपोशों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। लूट के दौरान हथियारबंद नकाबपोशों ने घर वालों को बंधक बना लिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच अपनी जांच शुरू कर दी है।